हेलो एवरीवन, आज का अपना टॉपिक जो है वो एसे ऑफ डाइक्लोफेनेक सोडियम के बारे में है। वेलकम टू माय चैनल अमरसार एकेडमी, दिस इज हिमांशु। ओके, लेट्स स्टार्ट। सो जैसा कि आपने सुना होगा, डाइक्लोफेनेक सोडियम जो है वो ड्रग, अपन फार्माकोलॉजिकल एक्शन अगर उसका देखें तो फार्माकोलॉजिकल एक्शन जो है वो पेन किलर में अपन यूजुअली यूज करते हैं। ओके, एंटी पायरेटिक अपन यूज करते हैं इसको, एनाल्जेसिक अपन यूज कर सकते हैं, मोस्टली अपन एनाल्जेसिक यूज करते हैं पेन किलर में। ओके, इट इज ऑल्सो अवेलेबल इन इंजेक्शन फॉर्म एंड टैबलेट में भी आपने देखा होगा। मोस्ट पॉपुलर ब्रांड जो कॉम्बीफ्लेम है उसमें भी आपको डाइक्लोफेनेक सोडियम जो है मिल जाएगा। आईपी का मतलब है इंडियन फार्माकोपिया। तो आज डाइक्लोफेनेक सोडियम आईपी का अपन ऐसे करने वाले हैं। जैसे कि आप जानते हैं ऐसे का मतलब क्या है, परसेंटेज प्योरिटी ऑफ सब्सटेंस। इट मीन्स वॉट, किसी भी सब्सटेंस की परसेंटेज प्योरिटी निकालनी। जैसे कि अगर कोई पाउडर सब्सटेंस है या फिर कोई टैबलेट अवेलेबल है आपके पास, मैं बोलता हूँ उस टैबलेट या उस पाउडर का आपको जो है ऐसे परफॉर्म करना है, मतलब उसमें कितने परसेंटेज प्योर फॉर्म में डाइक्लोफेनेक सोडियम अवेलेबल है वो आपको डिटर्मिनेशन करना है। तो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में अपन यही पढ़ते हैं। ऐसे में अपन ये फाइंड आउट करते हैं कि किसी भी सब्सटेंस का ऐसे जो है वो मोस्टली या फिर तो वो टाइट्रेशन से परफॉर्म होगा या फिर यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी से, एचपीएलसी से। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट भी हैं जिससे कि अपन ऐसे परफॉर्म कर सकते हैं, उसकी परसेंटेज प्योरिटी निकाल सकते हैं। और रेदर देन अपन देखते हैं कि पुराना जो ट्रेडिशनल तरीका है वो कौन सा है, टाइट्रेशन का। तो टाइट्रेशन की हेल्प से अपन डाइक्लोफेनेक सोडियम का आज जो है ऐसे करने वाले हैं। ओके, चलिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डाइक्लोफेनेक सोडियम जो है उसका ऐसे किस कैटेगरी में होगा, सबसे पहले ये अपन को जानना होगा। टू एम क्या है अपना, टू परफॉर्म ऐसे ऑफ डाइक्लोफेनेक सोडियम एंड फाइंड आउट द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ डाइक्लोफेनेक सोडियम। ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल की अगर अपन बात करें तो मेनली डाइक्लोफेनेक सोडियम जो है, इतने दिन अपन ने जो ऐसे पढ़े वो सारे के सारे ड्रग जो थे या फिर तो वो कोई ड्रग एसिड थी या फिर बेस थे, तो अपन सारे के सारे जो टाइट्रेशन अपन ने परफॉर्म की वो एसिड बेस्ड टाइट्रेशन सारे के सारे ड्रग का अपन ने एनालिसिस किया। क्योंकि प्रीवियसली जो हमने एनालिसिस किया है वो ड्रग सारे की एसिड बेस टाइट्रेशन में आई, बट डाइक्लोफेनेक सोडियम इज डिफरेंट। व्हाई? बिकॉज इट इज नॉट अ एसिड और बेस ड्रग, इट इज अ साल्ट फॉर्मेशन ऑफ डाइक्लोफेनेक सोडियम। ओके, तो ये जो ड्रग है इसका जो बेसिकली अपन टाइट्रेशन परफॉर्म करेंगे नॉन एक्वस एसिड बेस टाइट्रेशन से परफॉर्म करेंगे। ओके, जैसे कि आपके सिलेबस में भी है, पीसीए के सिलेबस में आपका सेकंड चैप्टर जो है वो नॉन एक्वस एसिड बेस टाइट्रेशन में है। अगर आप लैब में हो सके तो आप डाइक्लोफेनेक टैबलेट का भी ऐसे कर सकते हैं या फिर आप डाइक्लोफेनेक पाउडर का भी ऐसे परफॉर्म कर सकते हैं, जिसमें कि डाइक्लोफेनेक सोडियम जो है वो वीक बेस है। क्या है? वीक बेस एंड कैन बी टाइट्रेटेड बाय एसिडिमेट्री नॉन एक्वस एसिड बेस टाइट्रेशन। ठीक है, अपन इसको किस में टाइट्रेशन करेंगे, नॉन एक्वस एसिड बेस टाइट्रेशन। जैसे कि अपन जानते हैं दो टाइप की टाइट्रेशन अपन पढ़ चुके हैं, एक तो एसिड बेस्ड टाइट्रेशन और एक है नॉन एक्वस एसिड बेस्ड टाइट्रेशन। जो कोई कंपाउंड जो है वो प्योरली वाटर में सॉल्यूबल नहीं है उसको अपन यूज करते हैं नॉन एक्वस मीडिया यूज करते हैं और फिर उसका एसिड बेस्ड टाइट्रेशन अपन परफॉर्म करते हैं। तो डाइक्लोफिनेक इज ए वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ नॉन एक्वस एसिड बेस्ड टाइट्रेशन परफॉर्मेंस। डाइक्लोफिनेक इज ए वीक बेस। ओके, नेक्स्ट अपन चलते हैं। इट कैन बी एस्टिमेटेड बाय टाइट्रेशन विद स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ परक्लोरिक एसिड। तो जैसा कि अपन जानते हैं, एक और वीडियो मैंने बना के रखा है हाउ टू प्रिपेयर एंड स्टैंडर्डाइज ऑफ परक्लोरिक एसिड, वो भी आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। ओके, सो इन द नॉन एक्वस एसिड बेस्ड टाइट्रेशन वी परफॉर्म स्टैंडर्डाइजेशन विद द हेल्प ऑफ परक्लोरिक एसिड। ओके, नेक्स्ट क्रिस्टल वॉलेट सॉल्यूशन इज यूज एज ए इंडिकेटर, इट इज अ प्रिपेयर फॉर इंडिकेटर फॉर टाइट्रेशन ऑफ एमीन एंड जनरल रिएक्शन टेकिंग प्लेस बिटवीन द परक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो अपन नॉन एक्वस एसिड बेस्ड टाइट्रेशन डाइक्लोफेनेक सोडियम का जो ऐसे परफॉर्म कर रहे हैं वो यूजुअली अपन परक्लोरिक एसिड की हेल्प से परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या क्या रहेगी, जो नॉर्मली रिक्वायरमेंट रहती है जिसमें कि अपन टाइट्रेशन परफॉर्म करते हैं, एपरेटस कौन कौन से यूज रहेंगे और केमिकल जो है वो अपन को कौन कौन से यूज रहेंगे। तो केमिकल और एपरेटस में अपन देखें तो ये देखिए एपरेटस कौन कौन से जो अपन यूजुअली यूज करते हैं टाइट्रेशन में, और केमिकल जो है परक्लोरिक एसिड डाइक्लोफेनेक
ये सारे के सारे अपन को चाहिए, ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ओके, फिर थ्योरी के बारे में अगर बात करें अपन, तो एनालाइट के बारे में अपन थोड़ा सा डिटरमिन करते हैं कि इसकी प्रॉपर्टी क्या है, उसका मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या है, उसका मॉलिकुलर वेट क्या है, केमिकल नेम क्या है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, डिस्क्रिप्शन कैसा रहेगा, है ना, डाइक्लोफिनिक का। तो यहाँ पर देख सकते हैं अपन, ये है फॉर्मूला है डाइक्लोफिनिक सोडियम का, देन मॉलिकुलर फॉर्मूला, मॉलिकुलर वेट 318.13, केमिकल नेम क्या है इसका, और मेल्टिंग पॉइंट और डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन अपन जानते हैं, वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर जो है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी एजेंट है, एसिड में ही आता है, विथ एंटीपायरेटिक एंड एंटी एनाल्जेसिक एक्टिविटी। जैसा कि मैंने आपको बताया, डाइक्लोफिनेक हैव एंटीपायरेटिक एंड एंटी एनाल्जेसिक एक्टिविटी। इट इज़ अ वाइट स्लाइटली येलोइश कलर जो है पाउडर है ये, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं सॉलिबिलिटी, रेडिली सॉलिबल इन वाटर एंड एसिड, एसिटिक एसिड एंड मिथेनॉल। ओके, सो एसिटिक एसिड में भी सॉल्युबल है, वाटर में भी रेडिली सॉल्युबल है, फुल्ली सॉल्युबल नहीं है। ओके, नेक्स्ट फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी की बात करें, तो अभी मैंने जैसे आपको बताया, एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक डाइक्लोफिनेक सोडियम इज ए नॉन सेलेक्टिव रिवर्सिबल कंपेटिटिव इनहिबिटर साइक्लो कॉक्स सबक्यूएंट ब्लॉकिंग कन्वर्जिंग द एराचिड एसिड इंटू द प्रोस्टाग्लैंडिन प्रिकर्शन। ओके, ये फार्माकोलॉजिकल की बात आ गई। नेक्स्ट अपन देखते हैं कौन कौन से सॉल्यूशन अपन को प्रिपेयर करने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, परक्लोरिक एसिड की हेल्प से अपन ऐसे का परफॉर्म कर रहे हैं, तो अपन को परक्लोरिक एसिड जो है वो बनाना पड़ेगा। परक्लोरिक एसिड बनाने के लिए आप ऊपर दिख रहे बेल आइकन पे, सॉरी ऊपर दिख रहे आई बटन पे आप क्लिक करेंगे, तो आपको परक्लोरिक एसिड पे जो मैंने एक वीडियो बनाया है वो भी आपको नजर आ जाएगा, और वो परक्लोरिक एसिड कैसे बनाना है वो भी आप बना सकते हैं। नेक्स्ट क्रिस्टल वॉयलेट की बात करें, क्रिस्टल वॉयलेट जो है वो अपन यूज करेंगे एज ए इंडिकेटर। नेक्स्ट अब बात करते हैं प्रिपरेशन एंड सॉल्यूशन के बारे में, कौन कौन से सॉल्यूशन और प्रिपेयर करने हैं अपन को। तो फर्स्ट 0.1 नॉर्मल का अपन को परक्लोरिक एसिड बनाना है। नेक्स्ट क्रिस्टल वॉयलेट सॉल्यूशन अपना एज ए इंडिकेटर यूज करेंगे। फिर अपन सबसे पहले अपन जानते हैं कि किसी भी ऐसे का अपन जब परफॉर्म करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि अपन को दो स्टेप में चीज करनी पड़ेगी कि जिस किसी सॉल्यूशन से अपन डाइक्लोफिनेक का ऐसे परफॉर्म कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल उस सॉल्यूशन का अपन को स्टैंडर्डाइजेशन करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि अपन जानते हैं ऐसे का प्रोसीजर दो स्टेप में कंप्लीट होता है, फर्स्ट स्टैंडर्डाइजेशन, सेकंड ऐसे परफॉर्म, ठीक है। तो परक्लोरिक एसिड से अपन ऐसे परफॉर्म करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल परक्लोरिक एसिड का अपन को स्टैंडर्डाइजेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। स्टैंडर्डाइजेशन मतलब कि परक्लोरिक एसिड जो 10.1 नॉर्मल आपने बनाया है उसका अपन को जो क्या करना पड़ेगा, स्टैंडर्डाइज नॉर्मलिटी फाइंड आउट करने पड़ेगी। स्टैंडर्डाइजेशन मतलब क्या है, वो सॉल्यूशन जो अपन ने बनाया है ये परक्लोरिक एसिड का, इसकी अपन को नॉर्मलिटी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। आप बोलेंगे सर नॉर्मलिटी तो ये है 0.1 नॉर्मल, तो फाइंड आउट क्यों करनी। देखिए ये तो है थ्योरिटिकल है कि भाई इतना ग्राम लेके इतना करेंगे, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, तो आपका परक्लोरिक एसिड जो है 0.1 नॉर्मल बन जाएगा। बट प्रैक्टिकली आपको प्रूफ करना पड़ेगा, स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा, नॉर्मलिटी फाइंड आउट करनी पड़ेगी, कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी पड़ेगी कि सर एक्चुअली जो है वो कितने नॉर्मल का बना, क्योंकि उसी नॉर्मलिटी परक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन से अपन ऐसे परफॉर्म कर रहे हैं और उसकी नॉर्मलिटी अपन आगे ऐसे के फॉर्मूले में पुट करेंगे, दैट्स वाई वी स्टैंडर्डाइज द परक्लोरिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसीजर क्या रहेगा, देखिए यहाँ पे स्टैंडर्डाइजेशन परक्लोरिक एसिड रेफर टू द, ये जैसे कि मैंने आपको बताया अभी प्लेलिस्ट में जाके आप चेक करें, इस परक्लोरिक एसिड का पूरा एक सेपरेट वीडियो बना के रखा है। तो फैक्टर कैलकुलेशन परक्लोरिक एसिड की अगर अपन देखें तो वन नॉर्मल इज 0. इक्वल टू 0.02 ग्राम ऑफ C5H5O4K के बराबर, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं ऐसे प्रोसीजर क्या रहेगा मेनली, जो अब बात करते हैं डाइक्लोफिनेक सोडियम का ऐसे कैसे परफॉर्म करना है। तो सबसे पहले अपन को वे एक्यूरेटली अबाउट 0.25 ग्राम ऑफ डाइक्लोफिनेक सोडियम, सबसे पहले आपको कॉनिकल फ्लास्क लेना है। देखिए यहाँ पे मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है, ये अपना कॉनिकल फ्लास्क हो गया। इस कॉनिकल फ्लास्क में आपको क्या करना है, वापस से मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, वेट, ओके यहाँ पे अपने कॉनिकल फ्लास्क ड्रॉ कर लिया, रफली एक ड्रॉ किया है समझने के लिए। तो वे एक्यूरेटली अपन को सबसे पहले 0.25 ग्राम जो है आपको डाइक्लोफिनेक ड्रग जो है उसको वे करना है,
इंटू 250 ml ऑफ कॉनिकल फ्लास्क। फिर उसमें डिजोल्व करना है आपको 30 ml ऑफ ग्लेशियल एसिटिक एसिड। क्या डिजोल्व करना है? 30 ml ऑफ 30 ml GAA ग्लेशियल एसिटिक एसिड। फिर आपको 0.1 ml क्रिस्टल वॉलेट सॉल्यूशन डालना है, 0.1 ml क्रिस्टल वॉलेट सॉल्यूशन डालना है। फिर आपको टाइट्रेशन करनी है उसकी परफ्लोरिक एसिड से, ठीक है। तो परफ्लोरिक एसिड जो अपन ने बनाया है, देखिए मैं अभी यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, यहाँ पे जो अपन ने परक्लोरिक एसिड ब्यूरेट में फिल कर दिया है, ओके, यहाँ पे ये भी देखिए ब्यूरेट में जो है परक्लोरिक एसिड जो है आपका वो फिल हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा कि अब जैसे ही अपन ने परक्लोरिक एसिड 1 नॉर्मल का बनाया, 0.1 नॉर्मल का, उसको स्टैंडर्डाइजेशन कर लिया। स्टैंडर्डाइजेशन करने के बाद अपन ऐसे का प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, सबसे पहले अपन को 0.25 ग्राम डाइक्लोफेनेक सोडियम लेना है, उसमें 30 ml जो है अपन को ग्लिसरल एसिटिक एसिड डालना है, और 0.1 ml जो है अपन को क्या डालना है, क्रिस्टल वॉलेट इंडिकेटर डालना है। देन अपन टाइट्रेशन स्टार्ट करते हैं ब्यूरेट की हेल्प से। तो ब्यूरेट से जैसे जैसे अपन ड्रॉप बाई ड्रॉप जो है जैसे अपन टाइट्रेशन यूजली परफॉर्म करते हैं वैसे अपन को परफॉर्म करनी है, ओके। और टाइट्रेशन जैसे ही अपन परफॉर्म करेंगे तो एट द एंड पॉइंट अपन को वायलेट टू ग्रीनिश येलो कलर जो है दिखाई देगा, तो उस समय अपन टाइट्रेशन को रोक देंगे और अपन को पता चल जाएगा कि हमको कि टाइट्रेशन का एंड पॉइंट आ चुका है, अभी स्टॉप करने का वक्त आ गया। जैसे कि आप जानते हैं नेक्स्ट अपना स्टेप रहता है वो ऑब्जर्वेशन टेबल का है। फॉर ऐसे क्या है, तीन रीडिंग लेनी है अपन को, तीन में से अपन को तीनों का मीन निकालना है। मीन निकालने के बाद जो XML आएगा वो अपन को पुट करना है आगे फॉर्मूले में। वो कैसे करना है आगे मैं स्टेप में बताता हूँ। फिर रिएक्शन की अगर बात करें, देखिए ये डाइक्लोफेनेक सोडियम परक्लोरिक एसिड और जो है यहाँ पे डाइक्लोफेनेक सोडियम, डाइक्लोफेनेक और सोडियम जो है अपन ऐसे इसका परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट फैक्टर कैलकुलेशन जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। देखिए फैक्टर कैलकुलेशन कैसे होगा, देखिए यहाँ के लिए हुआ 1 मोलर परक्लोरिक एसिड इज इक्वल टू 1 मोलर ऑफ डाइक्लोफेनेक सोडियम, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन क्या मान रहे हैं कि 1 मोल जो परक्लोरिक एसिड का है वो 1 मोल ऑफ डाइक्लोफेनेक सोडियम के इक्वलेंट है। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप, 1000 ml ऑफ 1 नॉर्मल परक्लोरिक एसिड इज इक्वल टू 318.13 ग्राम ऑफ डाइक्लोफेनेक सोडियम, ओके। तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा अपना कि 1 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल परक्लोरिक एसिड इज इक्वल टू 0.03183 ग्राम ऑफ डाइक्लोफेनेक सोडियम। इसका मतलब क्या हो गया, देखिए जैसे आपकी ये ब्यूरेट है, ये आपका कॉनिकल फ्लास्क है, ठीक है, यहाँ पे आपका डाइक्लोफेनेक सोडियम है, यहाँ पे आपका परक्लोरिक एसिड है। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि 1 ml, देखिए यहाँ पे 1 ml ऑफ परक्लोरिक एसिड, मतलब अगर परक्लोरिक एसिड 1 ml जो है वो किसके बराबर है सर, 0.03 ग्राम के बराबर है डाइक्लोफेनेक सोडियम के, ठीक है। तो इसका अगर ब्यूरेट में अपनी रीडिंग कितनी आई, अगर 15 ml आती है तो 1 ml 0.031 ग्राम के बराबर है, तो 50 ml कितने ग्राम के बराबर होगा, उसी से अपन को सिंपली कैलकुलेशन करके निकाल देंगे कि कितना डाइक्लोफेनेक जो है इसमें प्रेजेंट था और परसेंटेज प्योरिटी कितनी आई। जैसे कि अपन ने कितना ग्राम ले लिया, देखिए 0.25 ग्राम लिया, तो आपने पता चला गया कि 0.25 ग्राम जो मैंने डाइक्लोफेनेक सोडियम लिया है उसमें कितनी परसेंटेज प्योर में डाइक्लोफेनेक प्रेजेंट है, वो मेरे को ऐसे की कैलकुलेशन के थ्रू आ जाएगा। तो फाइनली क्या हो गया, देखिए 1 ml ऑफ परक्लोरिक एसिड इज इक्विवेलेंट टू 0.03181 ग्राम ऑफ डाइक्लोफेनेक सोडियम। नेक्स्ट कैलकुलेशन की अगर मैं बात करूं, कैलकुलेशन कैसे रहेगी, स्टेप वन में क्या है, नॉर्मलिटी ऑफ परक्लोरिक एसिड। जैसे कि अपन जानते हैं ऐसे अपन जब भी परफॉर्म करते हैं तो 2 स्टेप में अपन कंप्लीट करते हैं। पहला स्टेप अपना क्या रहता है, किसी भी सब्सटेंस जिससे अपन ऐसे परफॉर्म कर रहे हैं उसका स्टैंडर्डाइजेशन करना, एंड सेकंड क्या है उस स्टैंडर्डाइजेशन के बाद ऐसे की कैलकुलेशन करनी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोजन फैलेट की हेल्प से अपन ने परक्लोरिक एसिड का स्टैंडर्डाइजेशन किया। स्टैंडर्डाइजेशन करने के बाद जो अपन ने 0.1 नॉर्मल परक्लोरिक एसिड बनाया उसकी एक्चुअली जो नॉर्मलिटी है वो यहाँ पे आ जाएगी ये फॉर्मूले के बाद। तो देखिए ये फार्मूले में अपन को क्या पुट करना है, यहाँ पे जो आपकी परक्लोरिक एसिड के स्टैंडर्डाइजेशन की जो ब्यूरेट की रीडिंग है वो आप एक्स की जगह पुट करेंगे तो आपको जो है यहाँ पे नॉर्मलिटी फाइंड आउट हो जाएगी किसकी, परक्लोरिक एसिड की एक्चुअली कितनी आई। जैसे कि 0.1 नॉर्मल की आपने तो 0.98 जितनी भी आई वो नॉर्मलिटी यहाँ पे आ जाएगी। फिर सेकेंड स्टेप आपका क्या रहेगा कि अमाउंट ऑफ डाइक्लोफेनेक सोडियम है वो कैसे डिटर्मिनेशन करना है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल
ये देखिए तो क्या लिखा हुआ है, 1 ml ऑफ 0. डाइक्लोफिनेक इज इक्वल टू 0.3181 ग्राम ऑफ डाइक्लोफिनेक सोडियम, ये अपन जानते हैं। अब यहाँ पे आपकी डाइक्लोफिनेक जो आपने ऐसे परफॉर्म किया है, इस ऐसे में जो आपकी जो रीडिंग आई है ब्यूरेट की, वो रीडिंग जो है आपको यहाँ मेंशन करनी है, इससे से आपको डाइक्लोफिनेक का जो अमाउंट पता चल जाएगा। तो 1 ग्राम तो फॉर्मूला क्या रह जाएगा, XML क्या है, देखिए XML जो आपकी ब्यूरेट की रीडिंग आई, जो ऐसे की ब्यूरेट की रीडिंग आई वो आपको लिखनी है यहाँ पे XML में, जहाँ पे देखिए मेरा जो कर्सर है, मैं वापस से सब हटा के वापस बता देता हूँ आपको। ये देखिए पहले मैं इस फॉर्मूले को हाईलाइट कर लेता हूँ। अब आपको ध्यान देना है मैं कहाँ पे मेरा कर्सर लेके जा रहा हूँ। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो XML लिखा हुआ है, वो XML जो है वो किसका है, कितने में वो है, ब्यूरेट की रीडिंग किसकी, ऐसे की ब्यूरेट की रीडिंग। ये XML जो है वो कौन सी है, ये है भैया इसकी आपकी स्टैंडर्डाइजेशन की ऐसे की रीडिंग। तो इससे अपन को स्टैंडर्डाइजेशन नॉर्मली फाइंड आउट हो गई। ये XML जो है ब्यूरेट की रीडिंग आपको लिखनी, जैसे कि 15 आई, 20 आई, जितनी भी लिखी वो लिखनी है। Y में क्या है, जो आपकी नॉर्मलिटी आई है वो आपको यहाँ पे मेंशन करनी है, इसलिए अपन स्टैंडर्डाइजेशन कर रहे हैं, क्योंकि वो नॉर्मलिटी 0.1 नॉर्मल अपन नहीं लिख सकते, क्योंकि वो थ्योरिटिकल है। प्रैक्टिकली कितनी आई वो अपन को वाई की जगह लिखनी है। फिर अपन लिखेंगे फैक्टर कैलकुलेशन, 0.03181 ये फैक्टर आ गया, डिवाइडेड बाय 1 × 0.1 नॉर्मल का नॉर्मल जो है अपन ने परक्लोरिक एसिड बनाया तो वो यहाँ पे आ गया, और 1 नॉर्मल जो है अपन ने यूज किया। इस हिसाब से अपन को ए ग्राम जो है वो क्या आ जाएगा, डाइक्लोफिनेक सोडियम का कितना ग्राम उसमें प्रेजेंट है एक्चुअली। फिर उसके बाद अपन परसेंटेज प्योरिटी निकालेंगे। तो परसेंटेज प्योरिटी कैसे निकालेंगे, स्टेप थर्ड में, कि सर 0.25 ग्राम अपने लिया था फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि अपन जानते हैं। देखिए प्रोसीजर में देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे सर्कल जहाँ पे मैं कर रहा हूँ, 0.25 ग्राम अपने लिया था। तो यस 0.25 ग्राम सर हमने लिया था, और ये 0.25 ग्राम जो है वो 100% के बराबर है। तो 1 ग्राम जो है कितना आएगा आपका पी, तो पी इक्वल टू परसेंटेज प्योरिटी कितनी आएगी, 100 × a/0.25, जिससे अपन की परसेंटेज प्योरिटी जो है वो निकल के आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट लिमिटेशन की मैं बात करूं। देखिए लिमिटेशन का मतलब क्या है, कोई भी सब्सटेंस जो है उसकी ऐसे की एक लिमिट होती है। तो जैसे कि डाइक्लोफिनेक की मैं बात करूँ, 98.5 से लेकर 101.0% जो है डाइक्लोफिनेक सोडियम की रेंज है, उसकी परसेंटेज ऐसे जो है उसका परसेंटेज ब्यूरेट इतना रहता है। तो अगर किसी भी डिस्क्रिप्शन किसी भी केमिकल के बॉक्स पर भी आप देखेंगे तो ऐसे इक्वल टू कितना रहता है आप देखेंगे, तो उसमें लिखा होता है लेबल क्लेम पे ऐसे इक्वल टू 99% या 91%, जितना भी प्रेजेंट रहता है। तो उस हिसाब से अपन उसका एनालिटिकल परफॉर्मेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी लिमिट आ गई, और लास्ट में आपको रिटर्न में लिखना है रिजल्ट के बारे में। तो नॉर्मलिटी परक्लोरिक एसिड की कितनी आई वो लिखनी है, और देन आपको जो है सोडियम डाइक्लोफिनेक सोडियम की जो ऐसे आया वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। ओके, होप सो आपको ऐसे ऑफ डाइक्लोफिनेक का जो ये वीडियो है वो उसमें सारा का सारा आपको जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। इसके रिगार्डिंग कोई भी कन्फ्यूजन है आप मुझे कमेंट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें, शेयर करें, और कुछ भी कन्फ्यूजन आ रहे हैं आपको ऐसे परफॉर्मेंस करने में, लेबोरेटरी में स्टैंडर्डाइजेशन कैसे करना है, आप मुझे ज़रूर कमेंट करें, मैं उसकी एक्सप्लेनेशन देने की आपको ज़रूर कोशिश करूँगा। ओके, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग स्टूडेंट तक पहुँच सकें। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप्स वॉचिंग एंड कीप्स